Hello everyone, Namaskar, welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Sunil Singh Abhivyakti और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपनी क्लास में एक न्यू इनिशिएट GS पेपर 4 जिसको हम करंट इश्यूज से देखने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 4 को हम एक नई अप्रोच से सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स तक पहुँच सकें और वो अप्रोच क्या है कि डेली रूटीन में जो करंट अफेयर्स इवेंट्स होते हैं उसको मैं एथिक्स के मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी यूनिट जो यूपीएससी ने दी हुई है उसके साथ कनेक्ट करके आप लोगों को कराऊं जिससे कि आप लोग इस सब्जेक्ट पर एक बेहतर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए आपकी अपनी क्लास में। अबाउट मी, तो मेरे बारे में, मैं यूपीएससी का इंटरव्यूअर रह चुका हूँ। इसके अलावा मैं दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको रन करता हूँ और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर मैगजीन भी निकालता हूँ और इसके अलावा एथिक्स पर 2014 में ही मैंने एक बुक लिखी थी। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है और आपके लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर द हिंदू और ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेथड यही है इंटरलिंकिंग करना और आपको यूपीएससी के जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको हार्वर्ड लॉ स्कूल मेथड के माध्यम से क्या करना, आपको उसके लिए रेडी करना जिससे आप यूपीएससी के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को पहले से ही मतलब उस पर प्रैक्टिस किए रहें जिससे कि अगर वहां पर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बेहतर अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि इस पेपर का नेचर ऐसा है एथिक्स का कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप एज्यूम करके जाएं कि यही पूछने वाला है, यानी कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए ये मैंने एक इनिशिएट लिया है कि यहां पर करंट अफेयर्स के माध्यम से हमें क्या करना है, हमें जनरल स्टडीज पेपर 4 को समझना है, डेली के जो भी इशूज होते हैं उनके माध्यम से। तो आज अपना टॉपिक एसेंस ऑफ एथिक्स है, यानी कि एसेंस ऑफ एथिक्स हम करेंगे, लेकिन उसके पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अनअकैडमी पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो आपको आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अनअकैडमी पर ऑनलाइन कोचिंग पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। ढेर सारे एजुकेटर्स, ढेर सारे आपके सब्जेक्ट्स और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ एसे, दो चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे साथ 500 मार्क्स। SN10 मेरा कोड है, याद रखिएगा, SN यानी सुनील 10 यानी 10% डिस्काउंट। तो SN10 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। 1 ईयर 36,000, 2 ईयर 43,200। तो आप मेरे साथ जुड़ करके 500 मार्क्स की एक कॉम्पैक्ट तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसी पैकेज में आपको सारे एजुकेटर्स मिलने वाले हैं। तो आप SN10 का इस्तेमाल करें और मेरे साथ आप यहां पर अटैच हो जाएं, ठीक है। फील कॉन्फिडेंस एंड इनोवेशन विद माय रेफरल कोड SN10। तो ठीक है, एक बार आप जुड़ेंगे तो 500 मार्क्स, याद रखें 500 मार्क्स एथिक्स और इसके साथ एसे, इन दोनों में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 500 मार्क्स आपकी पूरी, यानी आप देख सकते हैं ऑप्शनल के इक्वल, तो ये दोनों मैं एक साथ स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ, मेरे स्कूड के साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक है जीएस पेपर 4। टुडेज टॉपिक आपका है एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस में, यानी कि जब हम किसी, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, यानी ह्यूमन इंटरफेस, जब भी हम किसी से, कोई भी किसी के साथ बिहेवियर हमारा होता है या हम कोई वर्क करते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं ह्यूमन इंटरफेस। यानी कि जब ह्यूमन बीइंग एज अ मानव एक साथ जब एक दूसरे के साथ रहते हैं या कोई एक्शन करते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा एसेंस ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए। यानी एसेंस का मतलब क्या होता है कि क्या ऐसे बेसिक्स होने चाहिए, क्या ऐसे बेसिक्स होने चाहिए जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम ह्यूमन एक्शन का इवेल्युएशन कर सकें। तो आज हम उन्हीं बेसिक्स की बात करेंगे, एसेंस की बातचीत करेंगे, जो ह्यूमन इंटरफेस में बहुत महत्वपूर्ण रूप में शामिल होते हैं, यानी ह्यूमन एक्शन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑब्वियस है एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस आज हम कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरफेस मैंने पहले बताया, पब्लिक लाइफ, ये याद रखिएगा, पब्लिक लाइफ
और इसके साथ साथ आपका प्राइवेट लाइफ। किसी भी ह्यूमन बीइंग के ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं जब वो कोई भी एक्शन करता है, यानी कोई भी एक्शन जब करता है तो उसके ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं। और इस एक्शन में याद रखिएगा एसेंस ऑफ एथिक्स क्या हो, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन एक्शन में एसेंस ऑफ एथिक्स को हम कैसे समझें। ह्यूमन एक्शन में एसेंस, एसेंस को अगर एक कॉमन लैंग्वेज में हम समझना चाहें एसेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भगवत गीता का एसेंस क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भगवत गीता का एसेंस क्या है तो आप क्या कहेंगे, यानी अगर आपने भगवत गीता नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आपने जो भी किसी से स्टोरी सुनी है उसकी या आपने कुछ रेफरेंसेस उसके बारे में सुने हैं तो क्या चीज आप यही कहेंगे निष्काम कर्म योगा। क्या है? निष्काम कर्म योगा। तो यानी कि एसेंस का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी पर्सनालिटी में, किसी भी सब्जेक्ट में वो कौन सा बेसिक है जिसको अगर वहां से निकाल दिया जाए तो उस पर्सनालिटी की, उस टेक्स्ट की, उस बुक की, उस रिलीजन की जो मेन मतलब उसकी उसका जो मेन फीचर है, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऐसा मेन कैरेक्टर, ऐसा मेन फीचर जिसके बिना याद रखिएगा उस ऑब्जेक्ट के होने की इमेजिनेशन ना की जा सके, दैट्स कॉल एसेंस। जैसे कोई आपसे कहे, मान लीजिए आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर एसेंस। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू देने जा रहे हैं, व्हाट इज योर एसेंस, आपका एसेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर एसेंस। तो कोई कहेगा कि सेल्फ एस्टीम, कोई कहेगा पैशन, कोई कहेगा ऐसे, यानी जो आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो एक सबसे स्ट्रांग है वो जब आप कहते हैं कि इसके बिना, यानी ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, देन वही हो जाता है एसेंस। यानी कि उस एक करैक्टर के बिना आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, दैट्स कॉल एसेंस। वैसे ही एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब होता है कि एथिक्स यानी कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट होते हैं जिसके बिना एथिक्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप देखें जैसे सिलेबस यूनिट 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी ये हमारा मेन सिलेबस का पार्ट है। इसके सब पार्ट कौन कौन से हैं, एसेंस, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, तो यानी एसेंस आज हम ये करने जा रहे हैं। इसके बाद कल हम करेंगे डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, देन इसके बाद हम करेंगे डायमेंशन ऑफ एथिक्स, देन हम करेंगे एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो एसेंस यानी हमने फर्स्ट लेक्चर में ये समझा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी कल के लेक्चर में हमने ये समझा था। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस का एनालिसिस किया था, जो बच्चे फॉलो कर रहे प्लीज एक बार आप उसको देख लीजिएगा, चार लेक्चर मैंने किए हैं इसके पहले और ये अपना यहां से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका फोल्डर बनवा देता हूं। तो ये हो गया आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, कल हम लोगों ने खूब समझा था। अब हम एसेंस पे चल रहे हैं और एसेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आप लोग समझ चुके हैं। बेसिक या सार, हिंदी में बोलते हैं ना सार, एसेंस। लेकिन एसेंस को समझने से पहले, एथिक्स में एसेंस को समझने से पहले और उसका ह्यूमन इंटरेक्शन में क्या रोल है वो समझने से पहले एक बार डेली हम लोग अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे डेली, जिससे कि आपके अंदर ये शामिल हो जाए। जो नए बच्चे हैं, अप्रोच का मतलब क्या है, यूपीएससी अप्रोच, यूपीएससी ने सिलेबस के ऊपर ही लिख दिया, यानी कि जब आप जनरल स्टडीज का पेपर 4 का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस जहां से स्टार्ट होता है वहां स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यानी यूपीएससी जो सिलेबस दिया है यूनिट 1 यूनिट 2 यानी जैसे ये यूनिट 1 दिया है और ऐसे ही यूनिट 7 तक का पूरा है, तो ये जो 7 यूनिट यानी यूनिट 1-7 जो मैंने दिया है यूपीएससी ने जो दिया है, तो यूपीएससी क्या चाहता है, यानी इसको लेकर के आप किस प्रकार से प्रेपरेशन करें, इसको लेकर के किस प्रकार की प्रेपरेशन करें,
तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, यानी प्रिपरेशन कैसे करनी है आइए सबसे पहले वो सीख लेते हैं, जिससे एग्जैक्ट आप क्या रहे, डायरेक्शन में रहे। दिस पेपर बी इंक्लूड क्वेश्चंस, इस पेपर में क्वेश्चंस होंगे टू कैंडिडेट्स एटीट्यूड, यानी वो चेक करेंगे क्या कैंडिडेट के एटीट्यूड के, आपके एटीट्यूड को कि किसी भी सब्जेक्ट पर आप रिएक्ट कैसे करते, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो याद रखिएगा आपका एटीट्यूड चेक किया जाएगा। एंड अप्रोच, आप उस आपका एटीट्यूड चेक करने के बाद यह देखा जाएगा कि आप अप्रोच कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी आपके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप अप्रोच कैसे करते हैं, अप्रोच टू इश्यू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, यानी आप इंटीग्रिटी को लेकर के कैसे अप्रोच करते हैं। प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, यानी कि पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी आपके लिए कितना मैटर करती है, कितना मैटर नहीं करती है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। फिर क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि अगर आपके सामने कुछ क्या आ जाए, कुछ एथिकल डिलेमा आ जाए या एथिकल कंसर्न आ जाए या कोई भी समस्या आ जाए, डिफिकल्टीज आपके सामने आ जाए, तो आपकी पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, क्योंकि एज अ आईएएस ऑफिसर आपको यही करना है, क्या करना है, यानी आपका एटीट्यूड हर पल 24/7 जब भी आप वर्क करेंगे आपका एटीट्यूड चेक होगा, आपकी अप्रोच का पता लगेगा इंटीग्रिटी, चूंकि कोई ना कोई आपके सामने हमेशा आपकी इंटीग्रिटी को चुनौती देता दिखाई देगा, करप्शन वगैरह वाले जितने भी होते हैं, प्रोबिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक आईएएस के दैनंदिन जीवन का यानी डे टू डे रूटीन का एक पार्ट है। टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाई हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी, यानी सोसाइटी में रहते हुए ये सारे इश्यूज आपके चेक किए जाएंगे और इसके लिए क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में पहला पार्ट होगा थ्योरी, सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स, यानी आपसे केस स्टडी भी पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिकल यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन प्लस केस स्टडी दोनों पूछे जाएंगे। तो याद रखें, इसीलिए मैंने कहा कि जब इस चैनल पर मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी तो 150 प्लस मार्क्स के नाम से मैंने 4 लेक्चर लिए, ठीक है ना। तो एक दो बच्चों ने कमेंट भी किया कि ये हाइपोथेटिकल है, 150 आ ही नहीं सकता, लेकिन आप ट्रस्ट करिए अगर हम करंट इश्यूज से इसको समझते हैं और फिर बेसिक्स के साथ इसको पूरा रिलेट करते हैं, तो आप अगर दोनों करंट और बेसिक को मिला देंगे तो 100% 150 आप पहुंच सकते हो। इंग्लिश मीडियम में कई लोगों के आए हैं, इनफैक्ट मैं उनकी लिस्ट भी अब निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा, अभी 164 प्लस मार्क्स आए, तो ऐसा नहीं कि आ नहीं रहे। और आप अगर चेक करें 2013 में जैसे रचित राज और जो तीनों टॉपर थे, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, वो 149, 135, 151 ऐसे मार्क्स थे। तो आप याद करें कि आता है, बट आपको लाने के लिए अलग प्रकार का एफर्ट करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, एसेंस ऑफ इथिक्स आपके सामने क्या है, एसेंस ऑफ इथिक्स देख सकते हैं। तो एसेंस ऑफ इथिक्स, द एसेंस ऑफ इथिक्स मींस दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी, यानी क्या कह रहा है कि अगर आप मोरालिटी को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, आप मोरालिटी को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, तो ये एसेंशियल है, एसेंशियल है क्या, एसेंस, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। द एसेंस ऑफ इथिक्स मींस दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ, अगर इस यह क्या होता है, ये एब्सेंट होता है किसमें, ह्यूमन एक्शन में, व्हिच मोरालिटी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, यानी कि एसेंस, कोई भी ह्यूमन एक्शन अगर कोई इंसान करता है, आप करते हैं, मैं करता हूं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर करता है, पॉलिटिशियन करता है, एनवायरमेंटलिस्ट करता है, कोई भी करता है, तो याद रखिएगा एसेंस कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर वो बेसिक्स नहीं है, जिसे एथिक्स ऑफ एसेंस कहा गया, एसेंस इन एथिक्स, अगर वो नहीं है तो आप ह्यूमन एक्शन को ये नहीं कह सकते हैं कि उसने सही किया है या गलत किया। याद रखिएगा वो राइट है, रॉन्ग है, गुड है, बैड है, इसका इवैल्यूएशन किया नहीं जा सकता अगर ह्यूमन के एक्शन, यानी ह्यूमन पर्सनालिटी में जब भी वो कोई एक्शन करता है, एसेंस
ना हो, और वो एसेंस कौन कौन से होते हैं आगे हम देखने वाले। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से, द एसेंस ऑफ एथिक्स मींस, क्या मींस? दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल, यानी उसका रहना, एसेंस का रहना अनिवार्य है, एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी। यानी आप किसी भी ह्यूमन एक्शन में अगर मोरालिटी सर्च करते हैं कि भाई इसका काम मोरल वाला है, एथिकल है, एथिकल नॉर्म्स पे ये राइट है या रॉन्ग है, तो ऑब्वियस है, याद रखिएगा, ये एसेंस उसके ह्यूमन एक्शन में होना चाहिए। अगर उसके ह्यूमन एक्शन में एसेंस, जो भी आगे हम लोग पढ़ने वाले कौन कौन से हैं, वो नहीं है, तो आप फिर गुड और बैड या मोरालिटी या एथिकल वैल्यूज के आधार पर आप उसके जो वर्क है, उसका जो ह्यूमन एक्शन है, उसके प्लस माइनस का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। ये सबसे मस्ट है एसेंस। देखिए इमैनुअल कांट साहब क्या कहते हैं, मोरालिटी इज नॉट प्रॉपरली द डॉक्ट्रिन ऑफ हाउ वी मे मेक आवर सेल्फ हैप्पी। मोरालिटी ये नहीं है कि हम अपने आप को कैसे प्रसन्नचित रखते हैं, प्रसन्नचित बनाते हैं, बट हाउ वी मे मेक आवर सेल्फ वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हम कैसे अपने आप को हैप्पीनेस के केंद्र के रूप में, यानी कि मेन सेंटर के रूप में, यानी हैप्पीनेस का पूरा सेंटर। तो मोरालिटी क्या है? अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशी, और इस खुशी के मूल्यांकन के लिए एसेंस ऑफ एथिक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पढ़ना है। आइए चलते हैं, क्या है एसेंस ऑफ एथिक्स और क्यों पढ़ना है? जरा देखिएगा एसेंस ऑफ एथिक्स क्यों, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, मैं यहां लिख देता हूं एसेंस, एक मिनट, ठीक है, अच्छा ठीक है, 1 2 3 ठीक है, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है। अब आप देखें एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो क्यों ये मैटर करता, व्हाई इट्स मैटर। तो अभी द हिंदू में एक छोटा सा एडिटोरियल आया था, एडिटोरियल नहीं था, न्यूज वाले पेज पे था। अब आप देखें तो उस एडिटोरियल में कोविड को लेकर के जो हमारी मेंटेलिटी है, यानी हमारी मतलब इंडियंस की, उसको लेकर के एक सर्वे किया गया, और उसके कुछ जो है कंक्लूजन हमारे सामने रखे गए। तो उसमें से एक पार्ट जरा देखिएगा, गौर करने वाला, कोविड में लिख देता हूं, कोविड-19 और कोविड-19 को लेकर के ह्यूमन एक्शन, मैं देखिए लिख रहा हूं कोविड-19 को लेकर के ह्यूमन एक्शन। तो इस ह्यूमन एक्शन के कुछ एस्पेक्ट्स, यानी कि हम इस समय एक आम इंडियन कैसा बिहेव कर रहा है, किसके प्रति, जो लोग इस समय इस कोविड-19 की जो वॉर है उसमें सबसे फ्रंट कौन है, योद्धा है, या आप इसे कह सकते हैं मेन बैटलर हैं वो। तो क्या, विच आर द ग्रुप्स मोस्ट वल्नरेबल टू स्टिग्मा रिलेटेड कोविड-19, यानी कि कोविड-19 को जो स्टिग्मा है, कोविड-19 को लेकर के जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के बारे में कुछ बातें यहां बताई गई हैं, और कौन उससे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो स्टिग्मा और वल्नरेबल कौन है, आइए एक बार देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि ह्यूमन एक्शन में इथिक्स क्यों मैटर करता है, एसेंस ऑफ इथिक्स, याद रखिएगा, ये समझ में आएगा। देखिए पहला इन्होंने कहा, दोस इन क्वारंटीन, जो लोग क्वारंटीन में हैं, आपको पता होगा कि जो सस्पेक्ट होते हैं उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता, दोस इन क्वारंटीन वेदर दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव और नॉट, बस इतना ही, बाकी और हमें देखने की आवश्यकता नहीं। पहले यानी कि जो क्वारंटीन में है वो पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है, उनको ब्ले करके सोसाइटी में एक स्टिग्मा है। तो अगर ये स्टिग्मा है तो ऑब्वियस है, यानी उस सोसाइटी में एसेंस ऑफ इथिक्स नहीं है, याद करिएगा, उस सोसाइटी में एसेंस ऑफ इथिक्स नहीं है, यानी एसेंस ऑफ इथिक्स का एक पार्ट जरा आगे आ जाते हैं, क्या है एसेंस ऑफ एथिक्स, एक बार पहले यहां मोरल कंसाइंसनेस,
यानी कि जो सोसाइटी अगर ऐसा करती है तो मॉरल कंसाइसनेस नहीं है, क्योंकि क्वारंटीन होने का मतलब यह नहीं है कि अब वो हमारे लिए क्या हो गए, अब उनको हम उनकी लाइफ को स्टिग्माइज कर दें, कलंकित मान लें, तो मॉरल कंसाइंस नहीं है, यानी हमारे अंदर मॉरल कंसाइंस नहीं है, जिसको हिंदी में नैतिक चेतना कहते हैं, कि जिसमें गुड और बैड क्या है हम इसके बीच का डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो अगर मॉरल आप कंसाइंस आपकी पर्सनालिटी में नहीं है तो इसका मतलब कि आपके अंदर एसेंस ऑफ एथिक्स नहीं है। एथिक्स क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में इसके पहले भी पढ़ा, एथिक्स क्या है कि कंट्री टाइम पीरियड में मींस एंड एंड्स को इस प्रकार से लेकर के चलना है कि जिससे ह्यूमन वेलफेयर सुनिश्चित हो सके, राइट की गुड की इनकी स्थापना हो सके, ये स्टेबलाइज हो सके एज अ वैल्यू। तो इसका मतलब है कि मॉरल कंसाइंस अगर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ह्यूमन एक्शन में एथिक्स है। तो मॉरल कंसाइंस है अगर ऐसा किया जाता है, द पर्सनालिटी यानी कि एसेंस ऑफ एथिक्स में एक पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, यानी आप अपने जो डिसीजंस होते हैं उस डिसीजंस को किसी से इंफ्लुएंस हुए बिना आप उसे पर्सनल क्या कर सकते हैं, जो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है आप वो एक्शन करें। यहां क्या हो रहा है, पर्सनालिटी इंफ्लुएंस हो रही है कि लोग कह रहे हैं क्वारंटाइन है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्वारंटीन लोग जो भी हैं उनके साथ हम क्या करें, अछूतों जैसा व्यवहार करें, अनटचेबिलिटी वाला। तो ये क्या है, पर्सनालिटी नहीं है, इसका मतलब कि एसेंस ऑफ एथिक्स का एक पार्ट है पर्सनालिटी, वो भी नहीं है। डिस्क्रिशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप राइट और रॉन्ग, यानी डिस्क्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विवेक नहीं है, यानी आप राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो जो पर्सनालिटियां राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट ना कर सके तो क्या है, उनके ह्यूमन एक्शन में एसेंस ऑफ एथिक्स हो ही नहीं सकता। एसेंस ऑफ एथिक्स यानी कि अगर आप ह्यूमन एक्शन का इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, अगर नहीं है तो उनके ह्यूमन एक्शन पर एथिक्स क्या करेगा, चुप रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। क्यों, क्योंकि एथिक्स जो है, एथिक्स ह्यूमन एक्शन के उन्हीं रेफरेंसेस को लेता है जिसमें जो ह्यूमन है वो कॉन्शियस माइंड से एक्शन करता है। गन पॉइंट पे मैंने समझाया था पहले लेक्चर में, गन पॉइंट पे अगर आप एक्शन करते हैं तो वो क्या हो गया, आप सब कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं, तो वह एथिक्स उस पर विचार नहीं करेगा, वो लीगल, वो किसका, लॉ का इश्यू हो जाएगा, वो रूल्स का इश्यू हो जाएगा, वो रेगुलेशंस का इश्यू हो जाएगा, वहां पर लॉ रूल्स रेगुलेशन आएगा। एथिक्स क्या है, विदाउट लॉ विदाउट रूल्स विदाउट रेगुलेशन, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, यानी कि जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, यानी कि कंट्री सिचुएशन टाइम, इसमें जो करना चाहिए याद रखिएगा वही करना चाहिए, ऑट टू वही करना चाहिए जो मैक्सिमम के वेलफेयर को क्या करता हो, सुनिश्चित करता हो। तो ऑब्वियस है, ये है सेंस ऑफ द ऑप्शन, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। एसेंस ऑफ एथिक्स क्या कहता है, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने आपके यहां पर पिस्टल रख दी और आपसे कह दिया कि आप ये काम करो ये काम करो ये काम करो, तो आप क्या करोगे, वहां पर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं है। तो फिर जब एथिक्स में आपके ह्यूमन एक्शन का जो आपने किया गन पॉइंट पर, भले गलत हो गया, आपने किसी के कहने पर गन पॉइंट पर आपने कई गलत एक्शन कर दिए, बट जब एथिकल नॉर्म से आपके ह्यूमन एक्शन का इवेल्युएशन किया जाएगा तो क्या होगा, आपको कोई अनएथिकल नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना, क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि आपके पास तो एसेंस ऑफ एथिक्स, यानी आपके पास अगला रहा फ्री विल थी ही नहीं, फ्री विल होनी चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है, अगर कोई आपको पिस्टल गन पॉइंट पे कोई काम करा लेता है, या आपको मतलब जो है ड्रग्स के साथ कोई काम करा लेता है, आपके गलत सिग्नेचर ले लेता है, तो ऑब्वियस है ये ह्यूमन एक्शन जो आप कर रहे हैं इसमें आपकी फ्री विल नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है,
तो कोई भी आपको अनएथिकल नहीं कहेगा। हाँ, जब आपके पास फ्री विल हो, ऑप्शन हो, और फिर आप गलत करेंगे तो क्या कहा जाएगा? फिर आपको अनएथिकल कहा जाएगा कि इनका ह्यूमन एक्शन अनएथिकल था। आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी, एसेंस ऑफ एथिक्स में अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि जैसे मान लीजिए एक पुअर आदमी है और एक रिच आदमी है। पुअर मतलब जैसे हम माने जैसे कि कोई भी जो बीपीएल है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन वाला। रिच का मतलब मान लीजिए हमने कहा मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी और ऐसे ही टाटा एंड ईटीसी, ईटीसी जितने भी कॉरपोरेट्स और ये सब। अब आप देखिए, अब कोविड आता है, कोविड पैंडेमिक है ये, कोविड पैंडेमिक। अब क्या हुआ कि अब समझिएगा एसेंस ऑफ एथिक्स को। मान लीजिए ये बीपीएल वाले हैं, क्लियर है, बीपीएल। अब ये पीएम केयर फंड, पीएम केयर दूसरी पेन में ले लेता हूं, पीएम केयर है मान लीजिए, या सीएम केयर है, ढेर सारे फंड बन रहे पीएम केयर। पीएम ने कहा कि सभी को अपने अपने मतलब कुछ ना कुछ ग्रांट करना चाहिए पीएम केयर में। अब बीपीएल वाला है, ये क्या किया, ये एक भी नहीं दे पाया, जीरो। और इन्होंने भी क्या किया, जीरो, कुछ भी नहीं दिया, एक फर्स्ट कंडीशन। तो अब मुझे बताइए, अगर आपसे इवेल्युएशन करने को कहा जाएगा, यह भी ह्यूमन एक्शन हो गया, एच ए पुअर व्यक्ति का ह्यूमन एक्शन टुवर्ड्स पीएम केयर, और मुकेश अंबानी या फिर इनका भी हो गया ह्यूमन एक्शन टुवर्ड्स पीएम केयर। अब आप मुझे बताइए, आपसे अगर कोई कहे कि इवेल्युएशन कैसे करेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि इवेल्युएशन कैसे करेंगे, मतलब किसको आप अनएथिकल कहेंगे, किसको आप एथिकल कहेंगे, तो क्या आप इसको अनएथिकल कह सकते हैं बीपीएल वाले को? जी नहीं कह सकते।
सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया काफी देर से, यही टेक्निकल इश्यू है। अच्छा आज 5:30 PM पे पॉलिटी 6 क्लास की एनसीईआरटी किया का भी लेक्चर होगा, पॉलिटी 6 क्लास 6 to 12 पॉलिटी की, ठीक है। तो अब यहां पे मैं कहां था, मैं तो भूल ही गया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अब यहां से हम चलते हैं, फिर से अभी आ जाते हैं, यानी कि COVID-19 और ह्यूमन एक्शन। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जैसे 3 sets ऑफ पीपल आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड नाउ, यानी 3 sets ऑफ पीपल हैं जिनको ले करके इस समय सोसाइटी में स्टिग्मा का मतलब एक जो बिहेवियर है वो देखा जा रहा है। पहला स्टिग्मा, पहला क्या है, दोज इन क्वारंटीन वेदर दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव और नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस प्रकार का एक्शन करते हैं तो यह क्या है, यानी हम जान के कर रहे हैं, ये एसेंस ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है, इसलिए ये एक्शन क्या है, अनएथिकल है, अनएथिकल है, याद रखिएगा। ये हो गया, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। टाइम कंट्री सिचुएशन का जो कॉन्सेप्ट है आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, अपने नेशन जो हमारे बैटलर्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, उनको आप जो है कहीं ना कहीं उनके साथ आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। मेनी स्टेट गवर्नमेंट आर, आप देखिएगा गवर्नमेंट भी कर रही है, मेनी स्टेट गवर्नमेंट आर बायलोटिंग मेडिकल एथिक्स कोड। अब देखिए आ गया ना मेडिकल एथिक्स कोड, क्या है ये मेडिकल एथिक्स कोड, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब जब पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ एथिक्स तो उसमें आता है मेडिकल एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स कोड बाय पब्लिशिंग एड्रेस डिटेल्स मार्किंग डूअर्स ऑफ देयर होम्स विद स्टिकर्स एंड इवन लार्ज पोस्टर्स स्टैंपिंग देम विद इनडेलिबल इंक एंड स्टोरीज आर कमिंग इन ऑफ पीपुल बींग थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स, याद रखिएगा ETC, यानी यहां यह कहा गया है गवर्नमेंट जो भी क्वारंटीन होते हैं उनका सारा डिटेल, उनके नाम, उनके फोन नंबर, इन सब के साथ उनके घर के बाहर लगा देती है। इसको कहा गया कि मेडिकल एथिक्स कोड का यह कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये है, ये क्या है, यानी इस टाइप का बिहेवियर एसेंस ऑफ एथिक्स के, एसेंस ऑफ एथिक्स के अनुकूल नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है, क्योंकि इस डिजीज का जो करेक्टर है यानी COVID-19 का वो क्या है, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो ऐसे में टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक्शन बुरा नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम ह्यूमन के वेलफेयर में है। तो मैंने केवल समझाने के लिए यहां पे किया कि एक राइटर ऐसे क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो क्या हम सोसाइटी में माने कि एसेंस ऑफ एथिक्स है, नहीं है, ये पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम डॉक्टर्स डाउन टू द फ्रंटलाइन वर्कर्स आर फेसिंग स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, याद रखिएगा, इंक्लूडिंग लूजिंग देयर होम्स बिकॉज देयर लैंडलॉर्ड्स समहाउ थिंक दे विल बी कंटेजियस। यानी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें सारे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेकर के जितने भी नर्सेस, मिडवाइफ और जो भी, ये सब भी कहीं ना कहीं यहां पर स्टिग्मा फेस कर रहे हैं COVID-19 पे। ये फाइटर्स हैं लेकिन इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ जा रहा है। तो ये क्या है, क्या ये सोसाइटी में एसेंस ऑफ एथिक्स है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे आप कह सकते हैं कि एसेंस ऑफ एथिक्स यहां पर लैक कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि ना तो आप अपने मोरल कंसाइंस को ध्यान कर रहे हैं, ना आप डिस्क्रिशन को कर रहे हैं। तो वो सारे जो 7 पॉइंट थे, क्लियर है। तो तीसरा कौन सा है, दोज हु ट्रेडिशनली फेस डिस्क्रिमिनेशन लाइक माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सोसाइटी का जो एसेंस ऑफ एथिक्स होता है वो कहीं कहीं लैक कर रहा है,
इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है। और इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, एसेंस ऑफ एथिक्स के कई रेफरेंसेस, और उसमें एसेंस ऑफ एथिक्स में ये देखिए कितने हमने पढ़े थे, आइए इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। मोरल कंसाइसनेस ये क्या होता है, देखिएगा एक एक चीज क्या है यहां से। ह्यूमन इंटेलिजेंस डज नॉट वर्क व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन अराइजेस, यानी कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन का जो इंटेलिजेंसी है यानी आपकी जो समझ है वो वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, याद रखिएगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी अराइज हो जाती है कि वहां पर हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या करें। देन याद रखिएगा उस कंडीशन में जो मोरल कंसाइसनेस होता है, याद रखिएगा ये हमें क्या करता है, बट हिज कंसाइंस यानी आपके अंदर का जो कंसाइसनेस है वो क्या करती है, आपको सडनली आपको अवेक कर देती है, आपको जगा देती है। तो दिस इज कॉल्ड मोरल कंसाइसनेस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये है यानी इसको कहते हैं ना अंतरात्मा, आपकी आत्मा, आपके अंदर का इंट्यूशन, अंदर से आवाज आ जाना, इंट्यूशन, मोरल कंसाइंस कि हम जो भी एक्शन करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका किस प्रकार का इंपैक्ट होने वाला है, हमारी अंतरात्मा इंट्यूशन हो जाता है हमें, दैट्स कॉल्ड मोरल कंसाइसनेस। यान योर कंसाइंस टेल यू व्हेन यू आर राइट एंड व्हेन यू आर रॉन्ग, यानी कि टाइम सिचुएशन में ये हमेशा सही नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम हमें कहीं ना कहीं ये कंसाइंस क्या करता है, राइट और गुड की तरफ ले जाता है, दैट्स कॉल्ड मोरल कंसाइंस। ये होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में, तभी आप एसेंस ऑफ एथिक्स याद रखेगा। तो एसेंस ऑफ एथिक्स के ये पहला आपने पढ़ा, एसेंस ऑफ एथिक्स का पहला टाइप ऑफ एसेंस ऑफ एथिक्स, पहला क्या था, मोरल कंसाइंस। सेकंड क्या, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। देखिए क्या कर, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ मैंस कैरेक्टर गिव हिम पावर। ये पर्सनैलिटी की बातचीत कर रही है। पर्सनैलिटी की बात का मतलब क्या है कि अगर आप सभी का अपना एक क्या होता है, याद रखिएगा नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी यानी बुरी स्थिति में कोई भी आदमी रह सकता है या सभी आदमी रह सकते हैं, बट अगर उसके करेक्टर को चेक करना है तो आप उसे पावर दे दो, यानी पावर और पर्सनैलिटी, उन्होंने कहा पावर यानी आपको लीडर बना दिया जाए। अगर आप लीडर बन गए, याद रखिएगा आप क्या बन गए, लीडर बन गए, तो आपके करेक्टर का चेक हो जाएगा। यही है पर्सनैलिटी, यानी अकॉर्डिंग टू एथिक्स पर्सनैलिटी इज द फोकल पॉइंट ऑफ मोरलिटी एंड मोरल लाइफ, याद रखिएगा पर्सनैलिटी, बिकॉज नॉलेज ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड डिटर्मिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ एक्शन कैन ओनली बी इन अ लॉजिकल एंड रेशनल पर्सन, यानी जो लॉजिकल होते हैं, जिनके पास विजडम होता है, ऑब्वियस है एथिकल इश्यूज पर वही थिंक करते हैं और उसी थिंक के अकॉर्डिंग वो डिसीजन भी लेते हैं। तो इसलिए पर्सनैलिटी होना बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा। दूसरा एसेंस ऑफ एथिक्स में दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, डिस्क्रिशन, यानी कि गुड और बैड के मध्य जो डिफरेंस होता है वो वह कर पाने की आपकी एबिलिटी, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिशन। बाय वर्चू ऑफ बीइंग रेशनल जो मैंस एक्शन आर इवेल्युएटेड एज फेयर अनफेयर गुड बैड इन द एब्सेंस ऑफ प्रूडेंस, यानी His deeds cannot be evaluated on the ideal of just and unfair. तो ये होना चाहिए, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या होना चाहिए, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, इसको जज करने की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। याद रखिएगा एक ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी से जिसको पता ही नहीं है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, आप उससे कैसे एथिकल बिहेवियर की उम्मीद कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑब्वियस है डिस्क्रिशन इज द परफेक्शन ऑफ रीजन, डिस्क्रिशन क्या है, ये रीजन का परफेक्शन है, डिस्क्रिशन इज द परफेक्शन ऑफ रीजन एंड अ गाइड टू अस इन ऑल द ड्यूटीज ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ की ड्यूटीज होती हैं उसके लिए कौन गाइड करता है, डिस्क्रिशन, ड्यूटी ऑफ लाइफ आपकी जो है उसे डिस्क्रिशन गाइड करता है, और यही ड्यूटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू डिस्क्रिशन एसेंस ऑफ एथिक्स का एक बेस है, याद रखें। आगे चलते हैं, अब देखिएगा ऑप्शन एंड अल्टरनेट, यहां पे आप देखिए पिक्चर में क्या लिखा है, ये महाभारत में द्रोणाचार्य को जब मारा जा रहा है वो वाली सीन है, ये आपको याद होगा,
यानी ऑप्शन अल्टरनेट, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। डिफिकल्टी ऑलवेज अराइजेस व्हेन वी हैव टू और मोर ऑप्शंस, जब हमारे पास दो या ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो हमारे सामने समस्या होती है कि हम किस ऑप्शन को चूज करें। बी एवेल्युएट दोस चॉइसेस, यानी हमारे पास चॉइसेस है बट हम उसमें क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि पहली अच्छी है, दूसरी, तीसरी, चौथी चॉइस इथिकली, बट ऐसे नहीं एथिकली। एथिकली चॉइस को आप इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, एथिकली अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि टाइम एंड सिचुएशन में कौन सबसे बेटर ऑप्शन है, तो इसको बोलते हैं एंड गिव आवर मोरल जजमेंट इन फेवर ऑफ द ऑप्शन विद द हाईएस्ट मोरल वैल्यू, यानी हम अपना जजमेंट उसके फेवर में देते हैं जिसका मोरल वैल्यू हाईएस्ट होता है। दिस इज आवर रिजॉल्व, और ये होता है और ये एसेंस ऑफ एथिक्स है कि हाईएस्ट मोरल वैल्यू को हम क्या करते हैं, ढेर सारे ऑप्शन में चूज कर लेते हैं। अब जैसे यहां पे क्या था, टीचर थे द्रोणाचार्य, गुरु थे सबके और उनको मारना था, तो कितने ऑप्शंस लोगों के मन में, युधिष्ठिर के मन में, अर्जुन के मन में, पूरी टीम में कितने ऑप्शन आएंगे कि ये मेरे गुरु हैं। युधिष्ठिर के मन में क्या आया, गुरु है यार, इनको कैसे मारा जाए। फिर उसके बाद आया कि मैं तो धर्मराज्य हूं, यानी कि मैं तो जस्टिस और जस्टिस का सेनोनियम्स हूं मैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या मैसेज लोगों में जाएगा, यानी कि जिसके हाथ में पूरा सिस्टम का जस्टिस है वो ऐसे अनफेयर कर रहा है। तो कई ऑप्शंस उनके दिमाग में आए, लेकिन फिर हाईएस्ट मोरल वैल्यू आया कि नहीं, इनको मारेंगे नहीं। तो महाभारत में जो गुड और बैड की जो बैटल है उसमें बैड जो है जीत जाएगा, गुड रह जाएगा, और इसीलिए इनको मारा गया और उसके लिए झूठ का सहारा लिया गया। तो आप देख सकते हैं ये होता है ऑप्शन एंड अल्टरनेट। फिर इसके बाद फ्री विल, फ्री विल इस पिक्चर से समझिए, ये भी आपके लिए है, ये भी, यानी यहां पर कोई आपको पुश ना करे, पुश करके इधर ना भेजे, पुश करके, फ्री विल होनी चाहिए, फ्री विल, आप अपने ह्यूमन एक्शन में फ्री होने चाहिए, गन पॉइंट पे काम नहीं होना चाहिए, ये यहां पर कहा गया। फिर इसके बाद क्या है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, यानी पीएम केयर, अफोर्डेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कि एक बीकर से और मुकेश अंबानी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति डिनाय कर सकता है, अगर उससे आप कुछ मांगते हैं तो कोई उसे अनएथिकल नहीं कहेगा, बट एक जो अफोर्डेबल है अगर वो करता है तो लोग कहेंगे ना बड़ा अनएथिकल आदमी है यार, क्लियर है। तो ये सिंपल सा है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे COVID-19 डोनेशन याद रखिए इन पीएम केयर्स फंड, तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद नॉलेज एंड पर्पज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एंड पर्पज, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंस। इस टाइम पे निजामुद्दीन जो मरकज केस है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर COVID-19 स्प्रेड। तो मैंने जो लास्ट पॉइंट था नॉलेज एंड पर्पज को उसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, याद रखिएगा। एक बार पहले देख लेते हैं क्या, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एसेंशियल बिलीफ्स और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मोरालिटी बिकॉज इथिक्स इवेल्युएट्स ओनली दोज डीड्स ऑफ मैन हुम दैट मैन नोज एंड अंडरस्टैंड हिज पर्पस, यानी कि एथिक्स केवल उन्हीं ह्यूमन एक्शन को इवेल्युएट करेगा जिसमें एक्शन करने वाला मैन जो है, याद रखिएगा, वो जानता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है और वो समझता है कि पर्पस क्या है उसके एक्शन का। तो आप याद रखें, तो ये हो गया नॉलेज एंड पर्पस। अब आप देखें इसको मैंने क्या किया, निजामुद्दीन का जो मरकज केस है जिसमें ढेर सारे लोगों को COVID-19 यानी इनके कारण से एक क्लस्टर बना, और ये हिंदू का है, ये हिंदू की न्यूज है कल की, याद रखिएगा, अपोजिट एडिटोरियल पेज की, कहां की, ओपेड पेज की, अपोजिट एडिटोरियल। तो अब निजामुद्दीन क्लस्टर 130 केसेस, यानी ये कहा गया कि वहां से 130 केस पैदा हो गए, एक व्यक्ति संक्रमित, उसके बाद फिर होते होते 130, और बताया गया अंडमान में 10, आंध्रा में 15, दिल्ली में 24, जम्मू कश्मीर में 1, कर्नाटका में 1, महाराष्ट्र में 1, तमिलनाडु में 72, और ये कल का केस था तो और भी बढ़ गया, ठीक है ना, यानी ये परसों का था तो कल न्यूज में आया था, अब तो और बढ़ चुका।
अब मैं यहां पर ये आपको सिस्टमाइज करना चाहता हूं इसके साथ। क्या इन्होंने जानबूझकर किया? नॉलेज। क्या इन्हें कोविड के बारे में पता था? नॉलेज एंड पर्पज उनका उद्देश्य, तो ऑब्वियस है उनका कोई पर्पज नहीं था ऐसा करना, हुआ अनजाने में, बट उनको जो नॉलेज था कोविड के बारे में, उन्होंने उस नॉलेज की अनएथिकल प्रैक्टिस की। कैसे की अनएथिकल प्रैक्टिस? तो उन्हें पता था, जो वीडियो मतलब जो ऑडियो क्लिप्स आई है वो कह रहे हैं कि अब अल्लाह ने ही कोई बीमारी दे दी है तो उसका क्या सलूशन हो सकता है, ऑब्वियस है। उसके बाद अपील की जा रही कि सभी लोग मस्जिदों में आए, मस्जिदों में आना बंद ना करें। तो इसका मतलब क्या, नॉलेज को गलत ढंग से इन्होंने लोगों के बीच में पहुंचाया। पर्पस बिल्कुल उनका यह नहीं था कि वो जो है कोविड 19 को क्या कर सके, स्प्रेड करें, ऐसा कोई उनका पर्पस नहीं था ये हमें। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नॉलेज को गलत ढंग से लोगों के सामने रखा, जिसका पूरा खामियाजा सिस्टम को भुगतना पड़ रहा है, याद रखें। तो इसका मतलब है एसेंस ऑफ इथिक्स अब क्या हो गया इस केस में, एसेंस ऑफ इथिक्स इन लोगों के अगेंस्ट जा रहा है कि इन्होंने एसेंस ऑफ इथिक्स का अनुपालन नहीं किया, यानी उसको उन्होंने माना नहीं। सेम ऐसे ही अन्य केसेस भी थे, बट एक केस से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको यहां से आज इतना ही, और धीरे धीरे हम लोग बेहतर करेंगे, याद रखिएगा। और कल हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स एंड रिजल्ट एथिक्स में, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और उसको अच्छे से करेंगे। और इसके साथ ही प्लस कोर्सेज मेरे स्टार्ट होने वाले हैं एथिक्स एंड एसे के, और अगर आप 500 मार्क्स के लिए आना चाहते हैं कॉम्पैक्ट बैच, तो अब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। SN10 ये मेरा कोड है, SN10 एथिक्स और एसे एक साथ मैं आपका लूंगा। तो जो भी 2021, 2022 या 2022 के लिए भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये मेरे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप अटैच हो सकते हैं। करंट से ये रिलेट कर रहा हूं बेसिक, अब जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सोक्रेटिस, फिर अरिस्टोटल, फिर प्लेटो, फिर ऐसे ही जब हम इसको एथिकल बिहेवियर से जो ले करके चलेंगे, जो हमारे मॉरल फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनसे ले करके चलेंगे, तो ये और अच्छे से आपका तैयार होता चला जाएगा। तो ठीक है, SN10 कोड ये भूलना नहीं है आप लोगों को, ये मेरा रेफरल कोड है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर क्लासेस, बैचेस, किसी कंटेंट, जो भी आप चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।